वेलकम करती हूँ आपको दुबई की ताज़ा तरीन खबरों में। गैर कानूनी पाकिस्तानी तारकीन खबरदार हो जाएं, अमराती हुकूमत की डेडलाइन का वक्त करीब आ गया। अमराती हुकूमत की जानिब से 17 नवंबर को खबरदार किया गया था कि जिन एक्सपायर्ड वीजा होल्डर्स ने अपने वीजे की तजदीद नहीं करवाई या फिर अमारात से वापसी इख्तियार नहीं की, उन पर भारी जुर्माने आयद होंगे। इस खबर पर वो पाकिस्तानी बहुत परेशान थे जो मौशी हालात की वजह से अमारात से वापस नहीं जा सके थे और न एक्सपायर्ड वीजो की तजदीद करवा सके थे। ताहम उनको ऐसी खबर सुना दी गई थी जिससे उन्हें सुख का सांस आ गया था। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने कहा है कि ये रियायती मोहलत उन अफराद को दी गई है जो रिहायशी विजिट और सियाहती वीजे पर अमारात आए थे। ताहम इनके वीजों की मुद्दत यकम मार्च से कबल खत्म हो गई थी। इस नई मोहलत के बायस हजारों गैर कानूनी पाकिस्तानी तारकीन को भी फायदा होगा। अगर वो 31 दिसंबर से पहले अमारात से चले गए तो इन पर अमाराती आईडीज और वर्क परमिट से मुतल्लिक जुर्माने भी माफ हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बसों में सफर के दौरान एक सीट छोड़कर बैठें वरना 3,000 दिरहम जुर्माना भरने को तैयार रहें। अमराती रियासत ने अहम वार्निंग जारी कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना की वबा के दौरान मास्क पहनने समेत कई पाबंदियां आयद की गई हैं जिनका लोगों ने पहले कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। अमारात में हर रोज लाखों अफराद पब्लिक बसों के जरिए सफर करते हैं। इस हवाले से अबू धाबी की हुकूमत ने अहम वार्निंग जारी कर दी। जो अफराद एक दूसरे के साथ साथ वाली सीटों पर बैठेंगे वो 3,000 दिरहम जुर्माने की रकम भरने के लिए तैयार रहें। इस मामले में कोई रियायत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के दौरान तनख्वाहों पर लगी कटौती खत्म। दुबई में मौजूद दो बड़ी कंपनियों ने कोरोना वायरस की वजह से तनख्वाहों में कटौती के फैसले को वापस लेते हुए कोरोना से पहले की तनख्वाहें बहाल कर दी। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल ट्रेडिंग एंड फूड में कारोबार करने वाले निकाय ग्रुप ने हाल ही में तनख्वाहों पर लगे कटौती का फैसला वापस ले लिया। तनख्वाहों को कोरोना से पहले की सूरत में वापस लाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शेख मोहम्मद ने यूएई की खूबसूरती को उजागर करते हुए नए सियाहती मुकामात की वीडियो जारी कर दी। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वजीर आजम और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक वीडियो जारी की है जिसमे मुत्तहिदा अरब अमारात के ऐसे तफरीही मुकामात को दिखाया गया है जो सयाहों की पहुँच से ताहाल दूर थे। वीडियो में सूरज की रोशनी में नहाते किलों, साहिलों की बड़ी दाद और काई से ढके वाटर फ्रंट को दिखाया गया है। इस वीडियो को देखकर लगता है कि ये इलाके स्कॉटलैंड के हों, लेकिन नहीं, ये सब खूबसूरत जगह है यूएई में मौजूद हैं। और इस वीडियो को शेयर करने का मकसद सयाहों को नए सियाहती मुकामात की तरफ रागब करना है। अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए शेख मोहम्मद ने लिखा, मेरा प्यारा मुल्क। और ये वीडियो शेख मोहम्मद की जानिब से इस माह के आगाज में शुरू की गई सियाहती कैंपेन का हिस्सा है। नाजरी, न्यूज़ सुनने का शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।